الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگو अजीज नौजवान साथी, सारी दुनिया से लोग हज का अज़्म लिए हुए उम्मल कुरा के आगोश में पहुंच रहे हैं। पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में जमीन की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद रही। आज़िमीन हज अल्लाह की किब्रियाई जमीन में और फिजाओं में बुलंद करते हुए अपना सफर जारी रखे हुए। हर मुल्क में एक जोश वलवला पाया जाता है। मुसलमान तो ईमान के नाते इस अजीम इबादत से जुड़े हुए हैं। जो ईमान से महरूम है वो लोग भी बड़े इश्तियाक से हज के मनाजिर को देखते हैं। हर तरफ सारी दुनिया के सामने एक इस्लाम का बेहतरीन पैगाम अल्लाह की निशानी बनकर उभरता है, जो अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत देने का फैसला किया है। इन मनाजिर को देख के वो हिदायत कबूल करते हैं। और कुछ कट्टे काफिर ऐसे हैं इन मनाजिर को देख के उनके कुफ्र में इजाफा हो जाता है। बहरहाल हज का मौसम है, हर तरफ अल्लाह की किबरियाई के जमजमे हैं। ऐसे में आज हम जुमा की नमाज के लिए यहाँ पे जमा हुए। हजरत ग्रामी, बेहतर पहलू तो मैंने आपके सामने रख दिया, उसका बुरा पहलू यह है कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त अपनी तमाम इबादतों को इस्लाम की असल से काट कर अदा कर रही है।
इस्लाम की असल क्या है, जब हमारी गुफ्तगु आगे बढ़ेगी बात वाज़ेह हो जाएगी। हमारी नमाजें हमारे रोजे हमारे हज उमरे हमारी ज़कात की अदायगी उस मरकजी मशीन से जुदा होकर अदा हो रहे, जिसका फायदा इस्लाम को नहीं हो रहा है। पूरे मशीन को जिसका फायदा होना चाहिए वो अदा हो नहीं रहा है। हमारे पास हमारी सफों में हर साल के हाजी भी मौजूद हैं, रात के रहबान भी मौजूद हैं, ज़कात का एक एक नए पैसे का हिसाब करके अदा करने वाले मौजूद हैं, रोज़ों को कसरत से रखने वाले भी मौजूद हैं, इसके बावजूद आज दुनिया में इस्लाम मग़लूब है और मुसलमान गुलाम है। जब हम ये बात कहते हैं कि मुसलमान गुलाम, तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। अभी तो मैं बिरयानी खा के आया, अभी तो मैं शानदार शादी करने वाला, अभी तो मेरी गाड़ी बाहर बढ़ी अच्छे अंदाज में लोगों को तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, मैं गुलाम कैसे हो सकता। मैं अपने फैसले करता हूं जिंदगी के, मैं गुलाम कैसे हो सकता। कौमी सतह पर अगर किसी कौम की फिक्र मग़लूब हो जाए वो कौम गुलाम हो जाती है। उसमें मालदार तरीन लोग होते हैं, बेहतरीन मकानात रखने वाले होते हैं, शानदार ओहदेदार होते हैं, लेकिन जो फिक्र उस कौम की होती है वो फिक्र गालिब नहीं होती, वो मग़लूब होती है। जब फिक्र मग़लूब हो तो उसके मानने वाले गुलाम हो जाते हैं। फिरौन के ज़माने का सबसे बड़ा मालदार कारून मुसलमान, उससे ज़्यादा माल दौलत किसी के पास नहीं थी, कुरान गवाही देता है, लेकिन वो फिरौन के सामने हाथ जोड़ता था, सरकार बख्शिश हो सरकार। आज यही मामला हमारे पास है। तो हम वजह यह है कि जो असल के साथ कटकर हम अपनी इबादतों को अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादतों का निज़ाम दिया वो असल के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम जो हज कर रहे हैं, एक एक हाजी अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है हज कमेटी उसके ज़रिए से जाए तो 2 लाख रुपए लगते हैं, प्राइवेट में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। इतने पैसे खर्च करके हम अपनी सफ़ों से हाजियों को भेज रहे हैं, ये तमाम के तमाम अपने असल से कट के हज को अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया,
और आपने जो हज फरमाया वो असल से जुड़ा हुआ था, इसलिए आपने हज के दौरान जिंदगी के तमाम शोबों के अहकाम दिए। जिसे हम दुनिया समझते हैं उसके अहकाम अल्लाह के नबी ने ऐन हज के मौके पे दिए। अरफात का वो मैदान जिसमें अगर हाजी नहीं पहुंचता है तो हज नहीं होगा, उस मैदान में अल्लाह के नबी ने ऐसे शानदार अहकाम इंसानियत के हवाले किए हैं कि अपने माशरे को पुरअमन और शानदार बनाने के लिए यह अहकाम हैं। ये साजिश है या उम्मत मुस्लिमा की गफलत है कि हमारे वाइजीन, हमारे मुकर्ररीन इबादतों की अहमियत को असल से जुदा करके बयान फरमाते हैं। हज़रत ग्रामी, मैं चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो आपने एक और आखिरी हज करते हुए अपने उम्मत के सामने बयान फरमाई हैं, उसके चंद हिस्से हमारे सामने आ जाएं तो हमें पता चलेगा कि वाकई क्या हमारा हज ये है जो हम हज कह रहे हैं। दिल का बहलावा एक अलग चीज है, असल एक अलग चीज है। इस्लाम जमीन पे जो आया है वो गालिब होने के लिए आया है। और दो सूरतों में इस्लाम जमीन पे पाया जाता है, एक गालिब एक मगलूब। सहाबे कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में इस्लाम गालिब था। आप और हम जिस जमाने में सांसें ले रहे हैं इस्लाम मुकम्मल तौर पे मगलूब। ये दो कैफियतों में इस्लाम पाया जाता है जमीन पर, अल्लाह का दीन इन दो हालतों में अहले ईमान को दो तरह के काम करने पड़ते हैं। अगर इस्लाम गालिब हो तो मुसलमानों को अपनी तन मन धन की बाजी लगा के उसे गालिब रखने की कोशिश करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, इस्लाम के गलबे को मेंटेन करना चाहिए, जिसके लिए जान माल सब कुछ की कुर्बानी। क्यों? इस्लाम की बालादस्ती हो वो कमतर ना होने पाए। सहाबा कराम की पूरी तारीख यही है। सहाबा कराम का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उठना बैठना इस्लाम की बालादस्ती को जारी रखने के लिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इस्लाम को गालिब करके उनके हवाले किया था। जब इस्लाम मगलूब होता है तो अहले ईमान का काम यह है कि इस इस्लाम को गालिब करने के लिए अपनी जान माल सब कुछ की बाजी लगा देना चाहिए। जान माल और सब कुछ की बाजी इस्लाम को गालिब करने में न लगाते हुए नमाजें अदा करें, हज अदा करें, वो असल से कट कर है। इस्लाम मगलूब हो आप सिर्फ नमाजें पढ़ रहे हैं हज कर रहे हैं और इस्लाम को गालिब करने की कोशिशों में अपने कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं, आप इबादतों को असल से कट कर अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया
आप मदीना से एहराम बांधकर मक्का पहुंचे। मक्के में दाखिल होकर आपने उमरा फरमाया, आपने हिज्जत किरान फरमाया। वो फिकही मुशगाफियों में या फिकही उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उम्रे में तवाफ और सही होती है। अल्लाह के नबी ने खाने काबा का तवाफ फरमाया, जमजम का पानी पिया, दो रकअत नमाज पढ़ी, उसके बाद आप सही के इरादे से सफा की तरफ चले। सफा के छोटे से टेले पे, पहाड़ी पे चढ़ते हुए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल शैइन कदीर पढ़ा। सफा के टेले पे ऊंचे पहुंचने के बाद आपने दाहिनी जानिब निगाह डाली तो आपकी आंखों के सामने खाने काबा मौजूद है। उस मौके पे आपकी जबान से जो दुआ निकली उससे पता चलता है कि हमारा हज असल से कटा हुआ है। आज वही दुआ कुछ लोग याद करके पढ़ते हैं लेकिन असल से कटी हुई। वो दुआ बताती है कि मुसलमानों तुम्हें जमीन पे भेजा गया है स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल, खाली नमाज और रोजे के मरासिम अदा करने के लिए नहीं बल्कि दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए भेजा गया है। जो ही उस टेले पे आप चढ़े सफा की, आपकी निगाह खाने काबा पे पड़ी, आपकी जबान से जो दुआ निकली ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज अब्दा अंजज वादा व नसर अब्दा व हजम अल अहजाब वहदा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वह अकेला और तन तन्हा है। अंजज वादा, उसने अपने बंदे से किए हुए वादे को पूरा किया। वह नसर अब्दा, उसने अपने बंदे की भरपूर मदद की। वह हजमल अहजाब वहदा, वो तने तन्हा तमाम जत्थों को शिकस्त फाज दे दिया। ये तस्बीह पढ़ने से जत्थे पैदा होते हैं, ये नमाजें पढ़ने से मैदानों में नुसरत आती है। ये दुआ जो आपने अपने हज के मौके पे जो उमरा फरमाया, कोहे सफा के से खाने काबा को देखते हुए आपने कहा वह हजम अल अहजाब वहदा, तमाम तारीफ उसी के लिए है, वो तने तन्हा तमाम जत्थों को शिकस्त फाज दे दिया। जत्थे कब पैदा होते हैं? जब स्ट्रगल करो तो सब जत्थे पैदा होते हैं। नुसरत की बात कब होती है? जब स्ट्रगल करो तो अल्लाह की नुसरत की बात होती है। 23 साल जिंदगी के इख्तिताम पर आपने वहद हज अदा फरमाया और दीन इस्लाम गालिब हो चुका, इस्लामी कानून और शरीयत नाफिज हो चुकी और आपने एक एक जत्थे का मुकाबला किया।
हिजाजी जत्थे, नजदी जत्थे, खैबर के जत्थे, यहूदियों के जत्थे, नसरानियों के जत्थे, मजूसियों के जत्थे, छोटे बड़े कबाइल तमाम से आपने मुकाबला किया। और जब पूरा इस्लाम गालिब हुआ, एहराम बांध के आप उमरा फरमा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व अंजज वअदा व नसर अब्दा व हजम अल अहजाब वहदा। अब मैं अगर एहराम बांध के जाऊं और सफा पे चढ़ूं, मालिक का शुक्र है 50 दावतें खा के आया है यहां पर मैं, मालिक का शुक्र है बेहतरीन घर मैंने बना लिया, मालिक का शुक्र है शानदार गाड़ी मुझे दी, मालिक का शुक्र है मैंने नमाजें पढ़ी, इसके सिवा क्या दुआ हो सकती है हमारी? हमारे तमाम आजिम हज की इसके सिवा क्या दुआ हो सकती है? क्या जब हमारा आजिम हज वहां पर ये दुआ करता है, वह हजम अल अहजाब वहदा, क्या वो दुआ खोखली है या सही है? असल ये है, और हमारी इबादतें असल से कट के हो रही है। अल्लाह के नबी के एक एक अमल को करीब से देखिए, आपके एक नमाज को, आपके रोजे को, आपके हज को, आपके उम्रे को, हर चीज असल से जुड़ी हुई, असल से जुड़ी। और हमारी हर इबादत असल से कटी हुई, असल से कटी। ये साजिश है क्या है? इन्हीं इबादतों को आसमान को छूने वाली बताकर तकरीरें की जाती है। इसलिए कि जबड़ों के दरमियान की चीज नफ्स के काबू में होती है, हजरत ग्रामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जो बातें बयान फरमाई, वो बातें तमाम इंसानियत के लिए हयात बख्श है। और आपने वो किया और वहां ऐलान फरमाया आपने। आज जो बातें अल्लाह के नबी ने आयन अरफात में आयन 10, जरा आवाज कम करो, क्या करें मौल साहब आप, अरफात में और यौमुन नहर 10 जुलहज्जा को मीना में जो आपने खुतबे फरमाए, वो हमारे मौल साहबों के पास दुनिया है, दुनिया है, ठीक, दुनिया दूध के धुले मुलसाबों के पास वो दुनिया है। आप हैरत करेंगे कि अल्लाह के नबी ने जिंदगी के हर शोबे को आयन हज के मौके पे एड्रेस फरमाया, हर शोबे में इस्लाह फरमाई, अदालत में, मईशत में, माशरत में, विरासत में, ह्यूमन राइट्स का एक मंशूर, अल्लाह के नबी ने इस्लाह फरमाई। जो तस्बीहों के मुलसाबों के पास दुनिया है, लेकिन जो असल इस्लाम चाहते हैं वो इसी इस्लाम को गालिब करना चाहते हैं जो अल्लाह के नबी ने हवाले किया। सारी दुनिया के लिए अरफात के दिन आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया, सारी दुनिया के लिए वो राहत का सामान लिए हुए है। आपने आयन अरफात में
अपने 1,25,000 सहाबा के सामने जो सारी दुनिया में अमन के लिए रेड़ की हड्डी की हैसियत में उभरे थे, उनके सामने जो पैगाम दिया आपने, फरमाया लोगों सुनो सुनो, इस बुनियाद पर इंसानी समाज को तश्कील होना देना चाहिए, मैंने इसी बुनियाद पे इस्लामी माशरे को तश्कील दिया है। सुनो, तमाम इंसान का रब एक, तमाम इंसान का बाप एक, न किसी अरबी को अजमी पे फौकियत हासिल है, न किसी अजमी को अरबी पे फौकियत हासिल है, किसी गोरे को काले पे फौकियत हासिल है और न किसी काले को गोरे पे फौकियत हासिल है, इल्ला बित्तक्वा। हाँ, एक सूरत में फौकियत हो सकती है, वो तक्वा है। अरफात से ऐन हज के मौके पे सारी दुनिया के लिए हयात बख्श पैगाम, ताकि हर कोने में बसने वाला इंसान सांस चैन के सांस ले, वो काली मां के पेट में पैदा हुआ हो या वो अरब के किसी घर में पैदा हुआ हो या हिंदुस्तान के किसी मुकाम पे पैदा हुआ हो, तमाम का रब एक, तमाम का बाप एक, ऑल आर इक्वल। सबसे ज्यादा इस पैगाम की इस दौर में जरूरत है और सबसे ज्यादा इस पैगाम की उस मुल्क को जरूरत है जो सीना ठोक के कहता है कि हम जमीन पे सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। आपने गुज़िश्ता 2-3 महीनों में देखा नहीं, अमेरिका की आबादियों में कालों का एहतजाज, गोरे पुलिस वालों ने कालों को पकड़ के जो जुल्म किया, जिसका मुकाबला कालों ने एहतजाज के जरिए से किया, फर्गुसन के वो गलियां, वो रास्ते, वो पार्क, और अमेरिका में तूलो अर्श में फैले हुए तमाम बल्दियात गवाह हैं कि अल्लाह के नबी का ये पैगाम आज अमेरिका के लिए बेइंतहा जरूरी है। और हमारा मौलवी इस पैगाम से कट के हज करके करने का हुक्म देता है, कुछ तस्बीहात कर लो। हां, अल्लाह के नबी ने उसका भी तस्करा जरूर फरमाया अपने इस खुतबे में, लेकिन बस एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं। दुनिया को जिस हयात बख्श पैगाम की जरूरत है वो हम नहीं देंगे, हम हज अदा कर लेंगे बस। ये उम्मत मुस्लिमा का तरीक़ेकार बना हुआ है, जिस पैगाम को गालिब लाने के लिए तुमको छोड़ा गया है। नहीं, हम खाएंगे पिएंगे मजेदार जिंदगी गुजारेंगे, हाँ कुछ नमाजें रोजे रख लेंगे और अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। अरे तुम मगलूब हो, गलबा हासिल करने की कोशिश करो, स्ट्रगल करो। नहीं, हजरत ग्रामी इस मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन इंसानी शुभों को एड्रेस किया है, अकल दंग रह जाती है। आज कितनी जरूरत है उन बातों की। इंसानी समाज में 3 चीजें बड़ी अहम हैं, उसी पे अदल व क़िस्त और जुर्म जुल्म जौर का दारोमदार है। 3 ही चीजें अदल व क़िस्त और जुल्म जौर का महवर बनी हुई है,
और उन्हीं तीन ही चीजों में या तो अदल होगा या जुल्म होगा। दुनिया की तमाम अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं वो तीन ही चीजों की मुकदमात हैं और कुछ नहीं। माल, माल से पहले जान, माल आबरू, ये तीन ही चीजें। दीवानी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने मुकदमे चल रहे हैं, माल जान आबरू ये तीन ही चीजों के मुकदमे हैं। मुकदमे लाखों और करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं लेकिन सिर्फ तीन ही चीजों के मुकदमे हैं। या तो किसी की माल, या तो किसी की जान, या तो किसी की आबरू, बस। वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर तनाजा जहां जुल्म हो रहा है वो तीन ही चीजों में हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट मामला है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को दो खुतबों में, 9 तारीख के खुतबे में और 10 तारीख के खुतबे में इस अंदाज में पेश की कि अकल दंग रह जाती है। 9 तारीख के दिन अरफात में आपने तकरीर फरमाते हुए कहा, लोगों लोगों, तुम्हारी जाने और मालें और आबरूएं एक दूसरे पे उसी तरह हराम हैं जिस तरह आज का दिन इस महीने में और इस शहर में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे जान, तुम्हारे माल और आबरू एक दूसरे पे ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन इस महीने में और इस शहर में। 9 तारीख को आपने ये खुतबा फरमाया या खुतबे का हिस्से के तौर पे ये बात आपने फरमाई। कितनी अहमियत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कि इसी बात को इससे उम्दा और बेहतर अंदाज में 10 तारीख को आपने रिपीट फरमाया। आप तकरीर के लिए खड़े हो गए, सहाबे कराम जमा हो गए। लोगों लोगों, आज का दिन कौन सा दिन है? सहाबा साकित हो गए। सहाबा ने सोचा कि शायद आज के दिन का कोई नाम रसूलुल्लाह रखना चाहते हैं। कुछ देर सुकूत फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज का दिन यौमुन नहर नहीं है, आज का दिन क्या कुर्बानी का दिन नहीं है, 10 जुलहज्जा का दिन नहीं है? हाँ हाँ, आज का दिन 10 जुलहज्जा का दिन है। लोगों लोगों, ये कौन सा महीना है? सहाबा ने सुकूत इख्तियार फरमाया, शायद अल्लाह के नबी इस महीने का नाम बदलना चाहते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, क्या ये महीना जुलहज्जा का महीना नहीं है? हाँ हाँ अल्लाह के नबी, ये जुलहज्जा का महीना है। लोगों, ये बस्ती कौन सी है? ये शहर कौन सा है? सहाबा ने फिर सुकूत फरमाया, शायद इस बस्ती का, इस बल्दे का, इस शहर का नाम शायद अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी बदलना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद फरमाया, क्या ये बल्दतुल हराम नहीं है? ये मक्कतुल मुकर्रमा नहीं है जहां खून बहाना हराम नहीं है? हाँ अल्लाह के नबी, ये बल्दतुल हराम है, बल्दतुल हराम। क्या बेहतरीन अंदाज, जहन में बिठा देने वाला अंदाज, सारी दुनिया में इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम के परचम को बुलंद करने वालों के हाथ में ये पैगाम देना। लोगों,
लोगों, जब आज यम नहर है, ये महीना जुलहज्जा का महीना है, ये शहर बलदतुल हराम है, सुनो सुनो, तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, तुम्हारे आबरूएं एक दूसरे पे ऐसे ही हराम है जैसे आज का दिन इस महीने में और इस शहर में हराम है। कितने सिक्योरिटी रिंग्स दोस्तों, तीन तीन, और ऐसे सिक्योरिटी रिंग्स, एक भी तोड़ो तो दोजक का ईंधन बन जाए। ये पैगाम हज के मौके पे दिया गया। मुल साहब तस्बीह करो, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं जो पैगाम लेके आया हूं वो ये पैगाम है, तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल, तुम्हारे आबरुओं को ऐसे मामून करने के लिए, तीन तीन सिक्योरिटी रिंग्स में पहुंचाने के लिए मैं पैगाम लेके आया हूं। इसके ततिमे के तौर पे मैं हज कर रहा हूं, मेरे जिंदगी का आखिरी मौसम चल रहा है, मैं हज के लिए आया हूं। अगर इस बात पे अमल किया जाए, दीवानी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मुकदमात खारिज हो जाएंगे, खत्म। हर इंसान दूसरे इंसान की माल, जान और आबरों का पासवान बन जाएगा। आज हर तरफ वावेला है, एक एक मुकदमा 15-15, 20-20 साल चल रहा है। क्यों चल रहा है वकील साहब, क्यों चल रहा है चीफ जस्टिस साहब? इसलिए कि हमारे पास उतने जजेस नहीं हैं, हमारा लीगल सिस्टम बहुत बोझ के तहत आ चुका है। अल्लाह के नबी की इस बात पे अमल करो तो एक मुकदमा किसी अदालत पे नहीं जाएगा। हजरत ग्रामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयन हज के मौके पर माशी सिस्टम के अंदर सुधार पैदा करने की बात फरमाई। माश, अरे दुनिया छीछी, तस्बीह कर लो सुभान अल्लाह। मईशत की जो कलीद थी उसे ढा दिया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के 9 जुलहज्जा के मौके पर अरफात के मैदान में खड़े होकर अपने जान निसारों के सामने कहा, लोगों लोगों सुनो, जाहिलियत के सूद को मैं अपने कदमों तले रौन देता हूं। आज से जमीन पर जो माशी सिस्टम चलेगा वो सूद से पाक होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं तुम लोगों से मुतालिबा नहीं करता हूं। अपने खानदान का सूद, अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब का सूद जो लोगों की तरफ बाकी है, मैं उसे कलदम करार देता हूं। उसरी, रिबा मंसूख, अगर बैंक का सिस्टम चले वो सिस्टम सूद से पाक हो। आज सारी दुनिया की मईशत सूद की बुनियाद पर चल रही है। गरीबों की चीखें बुलंद हो रही हैं, भूखों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोगों की माशी मईशत की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड यूजरी, सूद।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयन हज के मौके पर ऐलान फरमाया, मेरी शरीयत में सूद का कोई मुकाम नहीं है। मेरे 1.25 लाख सहाबा, सूद को सफे हस्ती से मिटा दो। मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, सबसे पहले मैं मेरे चचा के सूद को कलदम फरार दे रहा हूं। जालिमों ने इसका ये जवाब दिया, बड़े तोप पहनते हैं, खादिम खादिम बनते हैं, आज उनके प्लेन किनकी बमबारी कर रहे हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने 3-3 सिक्योरिटी रिंग पहना है। मुस्लिम मुमालिक के जितनी फौजें किसको खत्म कर रही है? मुसलमानों को। ऐन हरम के बगल में तरह तरह के बैंक आपको दिखाई देंगे, बैंक ऑफ बहराइन से लेकर दूसरे तमाम बैंक दिखाई देंगे। और अरफात से आवाजें आ रही है रसूलुल्लाह की, मैंने इस सूद को आज से 1400 साल पहले अपने खदमों तले रोन दिया था, ऐ हाजियो यही तुम अकाउंट खोल के रियाल लेके आ रहे हो? क्यों? हमने अपने हज को असल से काट के करना शुरू कर दिया। हमारे माथे पे शिकन तक नहीं आती सूदी निजाम को देखकर। कुजा के इस निजाम को बदलने की ख्वाहिश और दाइया दिल में पैदा हो, माथे पे शिकन तक नहीं आएगी। हाजी साहब, वाह वाह वाह, आइए आइए, मेरे लिए दुआ फरमाइए, मेरे लिए दुआ फरमाइए। हाजी साहब, हाजी साहब, ये आज के हाजी हैं। निजाम को बर्दाश्त करो, अल्लाह के नबी के ऐन उस खुतबे की खिलाफ वर्जी करो जो आपने अरफात में हज के मौके पे दिया, उसकी खिलाफ वर्जी करो और हाजी कहलाओ। हाजी, बात बड़ी कड़वी है लेकिन असल यही चलेगी क़यामत में। हम वो मुलसाबों में शामिल होना नहीं चाहते जो मिट्टी मिट्टी बातें, हज मबरूर, 40 दिन तक दुआएं मकबूल। बेशक वो हदीसें हैं, कब निजाम कौन सा चल रहा, या आप कर, आप निजाम सही चल रहा तो उसको कायम करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, निजाम दूसरा है तो बदलने की क्या कोशिशें चल रहे हैं। जब पहली निगाह आपकी खाने काबा पे पड़े, जो दुआ मंजूर। अल्लाह के नबी ने सूद को कदमों तले रोन दिया, आपका अकाउंट बैंक में चल रहा और आपकी निगाह खाने काबा पे पड़े और आपकी दुआ कबूल हो, कैसे? अब जरा सोचिए, बात कड़वी है और हम मीठी बातों के कायल नहीं है। इसलिए हमको अल्लाह के पास जवाब देना, मालिक कड़वी तरीन बात करके आए, तेरे दर तेरे तूने हमको जो जिंदगी दी है, लोग माने या ना माने, हमने ठेठ बात आपकी कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्रिमिनल पिनाल कोड को एड्रेस फरमाया, ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को एड्रेस फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मौके पर, लोगो जाहिलियत के तमाम खून को मैं अपने कदमों तले रोन देता, अब तक जो खून हुए हुए, और सबसे पहले मैं अपने खानदान के उस बच्चे के खून को कलदम करार देता हूं, मेरे चचाजाद भाई रबिया बिन हारिस के बेटे उनास के कत्ल को मैं कलदम करार देता हूं। उसके कत्ल के मुकाबले में फिर कोई कत्ल नहीं होगा, उसके लिए मेरी अदालत है, वहां आओ, वहां फैसला होगा।
जहलाना निजाम, कत्ल का जवाब आदमी खुद कत्ल से कर दे, इसे मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं, आज से खत्म। और कोई और नहीं, मेरे अपने खानदान के कत्ल को मैं कलदम करार दे रहा हूं। आज कत्ल के जवाब में कत्ल, यहां तक कि पुलिस भी कत्ल करने लगी है। कितने वाकयात कस्टोडियल डेथ के आपको अखबारों में मिलेंगे। वो जिसे अपॉइंट किया गया है, जिसे तनख्वाह दी जा रही है कि लोगों की जान माल का एहतराम तुम्हारे लिए लाजिम है, वो लोगों को बंद करते हैं, टॉर्चर करके खत्म करते हैं। इसलिए कि कभी उनसे खुन्नस थी, अल्लाह के नबी ने ऐन हज के मौके पे फरमाया, लोगों कत्ल का जवाब तुम अपने तौर पे कत्ल नहीं कर सकते। अगर ये जारी रहा तो दो खानदानों के दरमियान कत्ल जारी रहेगा, दो रियासतों के दरमियान कत्ल जारी रहेगा, दो ममालिक के दरमियान कत्ल जारी रहेगा। मैं इस कत्ल के रिवाज और उस तरतीब को अपने कदमों तले रोंद रहा हूं। हज़रत ग्रामी, ये हज के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की हैं, इंशाल्लाह अगले जुमा भी इस पे हम रोशनी डालेंगे। बड़े बेहतरीन अहकामात है और आज के दौर में ये इंतहाई ज़रूरी है। और जैसा हमने कहा कि अल्लाह के नबी ने कोहे सफ़ा पे चढ़ के फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये दुआ बता रही है इस्लाम के लिए हर आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए उसे गलबा देने के लिए, नहीं तो ये दुआ बेमाने है। हज़म अल-अहज़ाब वहदा, तमाम जत्थे जो इस्लाम के मुकाबले में है वो तने तना उसने शिकस्त फाज दे दी। आज मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हज के लिए आया हूँ, उसने तमाम को ख़त्म कर दिया। दोस्तों सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, रौनकें बड़ी शानदार हैं, लेकिन ये बात कभी आप सोचो, अकेले अकेले अपने खिलवतों में, अकेलेपन में इस्लाम गालिब है या मगलूब? मगलूब है तो इसको गालिब करने की हमारी ज़िंदगी में क्या कोशिश चल रही है? वो बड़ी दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, शमला, हर आदमी सोचे, क्लीन शेव भी सोचे, सब सोचे, असल चीज वही चलने वाली है क़यामत में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं और आपने जो कुरान इंसानों के हवाले फरमाया, इसी खुतबे में आपको आएगा अगले जुमा, तमाम बातें ये जाहिर फरमा रही हैं कि हमारा मिशन इबादतें एक स्ट्रगल के लिए होना चाहिए, एक स्ट्रगल, वी आर फॉर स्ट्रगल। अहले ईमान स्ट्रगल के लिए है, वो अपना जाती स्ट्रगल नहीं है, वो अल्लाह के लिए स्ट्रगल है, ज़मीन पे उसके पैगाम को आम करने का स्ट्रगल है। नमाज रोज़े तस्बीहों के लिए स्ट्रगल नहीं है, बल्कि कुल इस्लाम के लिए स्ट्रगल है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।